चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, कई जगह यूज होती है क्वेश्चन निकालने में। तो देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो ये सीधा ही आंसर आ गया, ए डिफरेंस बी बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ इंटरसेक्शन ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रूव। समझ गए कि नहीं? या आप यहाँ भी देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए माइनस बी कौन सा सेट होगा हमारा? ए माइनस बी, ये बी को छोड़ के। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे ए इतना ये बचा हुआ है, इसको हम क्या लिखते हैं, इस सेट को लिखते हैं ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। तो आप इसके साथ यूनियन करें, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट है, यानी कि बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ के, बी ये है, यहाँ तक का है बी, ठीक, इसको छोड़ के बाकी सारा कौन सा रह गया? ये यूनिवर्सल सेट, ये सारा रह गया, ये डॉटेड डॉटेड मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये रह गया। अब इस डॉटेड में और ए में आपने कॉमन करना है, ये रहा ए और डॉटेड में कॉमन क्या है? डॉटेड तो ये सारे आ गए, बी को छोड़ के यहाँ भी आ गए डॉटेड, देख रहे हो ना, ये बी को छोड़ के और इस पूरे डॉटेड में और ए में क्या कॉमन है? तो यही यही तो कॉमन है, ये आएगा हमारे पास, इसी को हम बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉमन है, ठीक है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये आंसर आ गया। लेकिन आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। ये सेट है, एक सेट है, मान लो ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, एक्स इज इक्वल टू वाई तभी होगा जब एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई और वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम पहले ये मानेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए। तो ये एंड आइडिया है, ए इंटरसेक्शन बी टाइप से का, तो ये लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड आइडिया ये होता है। अब इसका मीनिंग, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और ये दो था एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आया हुआ है, ठीक है ना, इतना आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए से तो बिलोंग करता है, इससे नहीं करता, ये दो बार लिखा है एक ही बात है। आप यूं लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये कन्फर्म हो गया दोनों से, एक्स ए से तो बिलोंग करता है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बिलोंग किससे करेगा, एक्स आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट से, ये विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट होता है, जो बी से करता है नहीं करता, वो उसके कॉम्प्लीमेंट से, जो कॉम्प्लीमेंट से करेगा वो इससे नहीं करेगा। तो ये आ गया। अब इसमें फिर वही एंड आइडिया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड आइडिया इंटरसेक्शन होता, ये आ गया। अब आप इसको यहाँ से लेकर चले थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए, इम्प्लाइज कर रहा है एक्स
belongs to A intersection B complement. तो बाई डेफिनेशन ऑफ सबसेट, अगर ये एक्स है कोई इस सेट से बिलोंग करता है और ये सुजेस्ट करता है इससे करता है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला सेट है इसका सबसेट होता है. मतलब ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये फर्स्ट आ गया. अब दोबारा से लेट अगेन अगेन लेट x, पहले इसका मान x बी एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब है एंड आइडिया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट. यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. b कॉम्प्लीमेंट से करता है इससे नहीं करेगा, राइट. एक्स बिलोंग टू ए, तो इसमें कुछ नहीं जाता. यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, ये ए से करता है इससे नहीं करता. इसका मतलब है एक्स बिलोंग टू ए डिफरेंस बी से करेगा, क्योंकि ये होता है ना डिफरेंस का, इससे बिलोंग करता है इससे नहीं करता, राइट. अब ए डिफरेंस बी है तो x belongs to a difference b और intersection a. अगर हम देखो ये a difference b है, ये a difference b और a का intersection, a set ये complete है, ये a set है, ये b है, a set तो ये complete है और a difference b ये होता है, मैंने double किया जो सा, ठीक है. तो आप इनका, तो ये इनके इंटरसेक्शन से तो करेगा, और समझ गए कि नहीं, जो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए से जरूर करेगा ही करेगा, जो इससे करता है तो उनके कॉमन से भी करेगा, कॉमन ये इसी के आने है, तो ये बन जाएगा, राइट. या आप दोबारा से यहाँ पर एक ऐसे लिख सकते हैं एंड दो बार में एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक ही बात है ये इससे है, तो फिर दोबारा से ये, क्योंकि x belongs to a, x belongs to a दो बार ली तो क्या है, और यहाँ पर एंड x belongs to a बन जाता. अब ये इससे बिलोंग करता है एंड इससे, तो एंड आइडिया फिर इससे भी करेगा. therefore x belongs to a intersection b complement ने implies कर दिया x also belongs to a difference b intersection a. तो it means a intersection b complement is the subset of A difference B intersection A. ये second आ गया. From first and second. तो देखिए ये first है, ये इसका subset है और second first का subset है, तो इसलिए ये बन गया A difference B intersection A is equal to A intersection B complement. Hence proved. तो दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें एक दूसरे को सबसेट प्रूव करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं. इन क्वेश्चन को आप ध्यान से बार बार करें तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, और ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट भी है. कई क्वेश्चन है जो सोल्व करने में आ सकती है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट प्रूव द फॉलोइंग, तब आप ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसकी जगह ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं. Okay.